birthday, dear husband. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. सो फ्रेंड, इनका बर्थडे सो रखे थे बेचारे, हमने इन्हें उठा दिया है और ये हमारा केक कैंडल जलावा रहा और छोटा सा डेकोरेशन, चिपक ही नहीं रहे, उड़ रहे हैं बलून, डबल टेप साइड टेप से चिपकाया मैंने पंखा बंद कर दो पूरा, पंखा बंद कर, हाँ नहीं जल रही, चलाओ कैंडल चलाओ, ऐसे चलेगा बलून ना फूट जाए। हाँ उठो बेटा, आ जाओ, सारे बलून ना ये फूट गए, जाओ पापा के साथ केक काटो, आ जाओ, नहीं आप काटो, आप छोटे हो ना, आप आ जाओ, प्लीज जाओ जाओ पापा के साथ, विश मांगो, फूक मारो, विश मांगो, जाओ हनु पापा के साथ केक काटो, फूक एक रहने दो, एक कैंडल जल, डे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी बर्थडे टू, केक कटिंग दूर से बनाना पड़ेगा वीडियो, केक कटेगा सब में बटेगा, क्या हुआ तो ये है जानु काटना, जान मेरा बच्चा हनु ना नींद में, हनु नींद में जाओ, चलो टेस्ट तो कर लो, आपके लिए चॉकलेट केक लाया, आपको पसंद है ना, आरब फ्रेंड ऑन कर लो बेटा थोड़ा, जाओ पापा को खिलाओ, जाओ आप खिलाओ ना पापा को, आओ ले चल बहुत, चलो आराम, आप खिलाओ ना, बल आप बल, अच्छा गिफ्ट कौन देगा हनु, गिफ्ट तो दे दो, आप दो ना, मैं खिला रही आपको, नहीं बर्थडे आपका है, लो भाई हनु जाओ गिफ्ट दो अपना, जाओ गिफ्ट दो, हैप्पी बर्थडे बोलो ना, थैंक यू, अरे आप ऐसे क्यों आ रहे हो आगे, और इसी की पसंद का तो दिए दिया है बच्चों ने, दोनों जरूरत की चीजें थी, पर्स भी फट गया था, बॉटल भी, हाँ अब मैं देती हूँ, देना बेटा वो, अब तो अच्छा है, और ये है मेरी तरफ से, सारे खोल के देखना, ये मेरी तरफ से, बेटा केक हटा दो, कपड़ों में ना लग जाए, ये लोअर है, ढंग से भी देख रहे, देखो ये इज्जत है मेरे गिफ्ट की, मैंने मोबाइल खा दिया, नहीं हटो हटो, आप हटो, बाबा को मोबाइल फिर से आ गया, ये लोअर है, ये टी शर्ट है, टी शर्ट ना थी नहीं, फुल स्लीव की एक ही लाई में, फिर दो लाने जाने, रुको ना थोड़ा, ये टी शर्ट है, वैसे मैंने दिखा रखी है वीडियो में, ये शर्ट है शर्ट है दोनों, फ्रेंड ये था हमारा रात 12 बजे का सेलिब्रेशन, और इन्हें पता भी नहीं चला ये सो गए थे, वैसे एक मिनट, वैसे जल्दी सो जाते हैं ये ना, अब हनु भी सो गया था, हनु भी सो गया, हनु भी मतलब 10 मिनट पहले ही सोया होगा, ये उठा ही हुआ था, और तो सेलिब्रेशन हो गया, थोड़ा केक खाते हैं, फिर मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, वेलकम है आपका चैनल में, वैसे तो व्लॉग रात से स्टार्ट हो गया था, रात को इनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, 12 बजे हनु तो सो गया था, बट आरव उठा था, आरव और मैंने, आरव ने कार्ड ही बनाया था, शायद वो दिखाया नहीं, हमने ध्यान नहीं है, तो सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया, कपड़े भी धुल दिए, आज मैंने सारी बेडशीट कंबल सोफे कवर सब धुल दिए हैं,
और धूप अच्छी थी तो मैंने कहा चलो सब धुल देते हैं, और वैसे भी धुलते रहने चाहिए। चलो बेडशीट तो हम धुलते रहते हैं, कंबल वगैरह भी वैसे तो निकालते नहीं है, बट मतलब आजकल ना अब सुबह सुबह थोड़ा ठंडा लगने लगा है तो फिर थोड़ा यूज़ हो ही जाती है, और फिर मतलब हो ही जाता है ना, निकली भी है तो धुली भी जाती है। तो काफ़ी सारे कपड़े थे आज, तो छत पे आ गई हूँ आज डालने के लिए, और आज थोड़ा लेट भी उठे। वैसे आरब का स्कूल नहीं था, हन्नू का ही था, 8:30 बजे जाना था पापा बेटे दोनों को, तो फिर ये था कि इतना नहीं था मतलब वो प्रेशर नहीं था इतना ना, तो इसलिए रात 12 बजे तक जगे भी रहे। और पिछली बार ना हमने मतलब जब वो ऑफिस से आए थे तब उन्हें सरप्राइज़ दिया था, इस बार हमने रात को दे दिया। वैसे अक्सर रात को ही देते, बट मुझे था कि कहीं पता, मैं भूल गई थी मैं 7 बजे केक लेने गई हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। एक तो मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और वो आरब को लेके आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि किसी ने बुलाया होगा, ऐसी जा रही होगी, तो आके फिर हमने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में रख दिया था। तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब रात को ये केक काटेंगे, ये तो था कि काटेंगे बट ये नहीं था रात को। तो अच्छा भी लगा कि सरप्राइज़ सरप्राइज़ ही रहा, तो अच्छा लगा। और गिफ्ट उन्हें बहुत पसंद आया, जैसा आपने देख लिए होंगे पहले भी मैंने दिखाए थे, तो ये था कि सब ज़रूरत की चीज़ें थी ना, तो इसलिए। और यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया है, आज सुबह बना था शाही पनीर और रोटी बनी थी नाश्ते में, और देखते हैं लंच में क्या बनाती हूँ, और देखते हैं शाम तक क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रही हूँ, काफ़ी कपड़े थे देख रहे होंगे आप, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, बेडशीट वगैरह अपने डेली के तो होते ही है, स्कूल के भी होते ही है, फिर बेडशीट भी धुलो कंबल भी धुलो, दो तो बेडशीट थी दो कंबल थी, तो बस यही है। तो बस सारे कपड़े वगैरह डाल के चलते हैं नीचे, लंच की तैयारी भी करनी है। तो जैसे बेडशीट धुली है तो बेडशीट बिछानी मुझे, तो बेडशीट निकाल रही थी मैं, और आरफ को मैंने कहा था 2-3 दिन से जैसे वो घर पे है तो वो ही अपने कपड़े निकाला था, तो उसने अपनी अलमारी की ऐसी की तैसी कर रखी थी, तो अभी मैंने उसी के पास निकाल के दिया कि सारी टी शर्ट्स ढंग से रखो, तो रखी उसने, फिर वही मैं अभी अलमारी में रख रही थी। तो फिर बेड मैंने खोला वो निकालने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा अरेंज कर देती हूँ, मतलब ऊपर ऊपर से कपड़े ना हो ही जाते हैं ऐसे, नीचे के कपड़े तो ठीक रहते हैं बट ऊपर से, तो फिर ये भी मैंने अरेंज कर दिया ढंग से, और मैंने कहा चलो अब बेडशीट बिछाती हूँ। और गद्दा ये वैसे वाला ना, पहले फॉर्म वाले थे तो वो बिल्कुल फोल्ड हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है, तो ये आ गई हूँ बेडशीट बिछा देती हूँ। और वैसे मैं कब से बोल रही हूँ ना बेडशीट लानी लानी, बट मुझे ना ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि ये इसके लिए तो चाहिए फुल वाली फुल लेंथ वाली बेडशीट ना, तो ऑनलाइन नहीं मिलेगी, बाहर मार्केट ही जाना पड़ेगा, और मार्केट जाना है तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। अब बच्चों के एग्ज़ाम के में ही रह गए हम, तो बस यही है, लाऊंगी अब ये वाली, बहुत प्यारी लगती है मुझे पटवो, ये प्रेस से नन जला दी थी तो पैच लगा रखा है मैंने, और ये सिंगल की भी नहीं बन सकती, नहीं तो मैं सिंगल की बना देती इसे, क्योंकि बिल्कुल बीच में जहाँ पे ये देखो पिल्लो है ना वहीं पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है। तो चलो देखते हैं, नहीं तो अगर ऐसी होती तो सिंगल की बना देती। तो बस बेडशीट वगैरह बिछ गई है और अब चलती हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। राजमा रखी है मैंने, तो राजमा चावल बनाऊँगी आज, स्पेशल तो होना चाहिए ना कुछ। सो फ्रेंड, ये हमारा है लंच, और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।